हेलो दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम घर के ही मसालों को यूज करके सांभर बनाएंगे। तो ये हमने सबसे पहले सांभर मसाला बनाने के लिए मसाले लिए हुए हैं, उसको हम देख लेते हैं। ये हमने एक चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर है, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, आधा चम्मच जीरा है, ये आधा छोटा चम्मच से थोड़ा कम मेथी दाना है, और ये आधा छोटा चम्मच सौंफ है, आधा छोटा चम्मच चने की दाल है, आधा छोटा चम्मच राई है, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च है, ये आधा इंच टुकड़ा अदरक का, और तीन चार कली लहसुन को हमने इस तरह से काट कर ले लिया है। एक पिंच हमने हींग लिया है, 8-10 पत्ते करी पत्ता लिया हमने, और ये आधा छोटा चम्मच गुड़ लिया है। ये तीन चार लाल मिर्च लिए हमने, एक छोटा चम्मच नारियल का बुरादा है, एक बड़ा चम्मच इमली को हमने इस तरह से पानी में भिगोकर ले लिया है, 2 बड़े चम्मच अरहर की दाल को हमने अच्छे से धोकर 15 मिनट तक पानी में इस तरह से भिगोकर ले लिया है, नमक स्वाद के अनुसार हम यूज करेंगे। सांभर बनाने के लिए सब्जियां आप अपने मनपसंद के हिसाब से चूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो ये हमने गोभी लिया है, टमाटर, थोड़ी सी मूली को इस तरह से काट के ले लिया है, एक हरी मिर्च बड़े टुकड़ों में काट के लिया है, आधा आलू इस तरह से ले लिया हमने काटकर, आधे प्याज को लंबा लंबा इस तरह से काट कर ले लिया है, और ये एक गाजर को पतले में इस तरह से काट कर ले लिया है। सबसे पहले हम सांभर का मसाला बना लेंगे। एक चम्मच तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम सौंफ और मेथी दाना डालेंगे, साथ में हम जीरा भी डाल देंगे, काली मिर्च डाल देंगे, चने की दाल, अदरक और लहसुन, और इन सबको डाल के अच्छे से हम भूनेंगे। मसालों में से अच्छी खुशबू आने लगी है, इसका मतलब कि हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। गैस को हम बंद कर देंगे। अभी पैन हमारा गर्म ही है तो इसमें हम लाल मिर्चों को डाल देंगे, नारियल का बुरादा डाल देंगे, और साथ में धनिया पाउडर भी डाल देंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको ठंडा होने देंगे। एक कुकर में हमने 2 चम्मच तेल डाल दिया है और गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम राई डाल देंगे। राई चटक गई है तो इसमें हम लाल मिर्च को इस तरह से तोड़ के डाल देंगे, हींग डाल देंगे, और साथ में हम कटे हुए प्याज को डालेंगे, करी पत्ता भी डाल देंगे, गाजर। जीरे को हम तेज आंच पे ही लगभग 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। सब्जियों को हमने 2 मिनट तक भून लिया है। आलू, मिर्च और टमाटर भी डाल देंगे। सब्जियों को चलाकर अच्छे से हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। तो जब तक सब्जियां पक रही हैं, हम भुने हुए मसाले अब ठंडे हो गए हैं तो उसको पीस लेंगे। ये हमने मसालों को पीस लिया है, इसमें हम नमक डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर और गुड़ को भी डाल देंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स करके हम निकाल के रख देंगे। सेम मिक्सी में हम दाल को भी डालेंगे और इसको भी डाल के पीस लेंगे। सारी सब्जियों को 2 मिनट तक हमने अच्छे से भून लिया है, और ये हमने दाल को भी अच्छे से पीस लिया है, इसको हम इसमें डाल देंगे। पानी को ऐड कर दिया है, और ये हमने जो सांभर मसाला मिक्स करके रखा है उसको इसमें 2 चम्मच डालेंगे। इसमें हमने 2 चम्मच सांभर मसाला डाल दिया है, और बाकी अगर हमको बाद में लगेगा तो बाद में हम यूज करेंगे। सांभर को हमने तेज आंच पे 3 सीटी आने तक पका लिया है। अब गैस को हमने बंद कर दिया है और इसका प्रेशर निकलने देंगे। गैस को हम फिर से ऑन कर देंगे। सब्जियां अच्छे से पक चुकी हैं। इसमें हम इमली के पानी को इस तरह से छानकर इसमें डाल देंगे। बाकी के हम बचे हुए सांभर मसाला को भी इसमें डाल देंगे और इसको 5 मिनट तक इसी तरह से उबलने देंगे। सांभर को 5 मिनट तक हमने इस तरह से पका लिया है। गैस को अब हम बंद कर देंगे। ये देखिए, हमारा एकदम परफेक्ट इंस्टेंट सांभर बनके तैयार है। आप भी इसी तरह से सांभर घर पे अवेलेबल मसालों के साथ बनाएं, खाएं, और ये होम स्टाइल सांभर को एंजॉय करें। आई होप कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।